जी सर, हाँ, जय माता की। जय माता जी सर, बोलिए। कौन बोले भाई साहब? मैं अर्जुन चौखंडे बात कर रहा हूँ, अकोला महाराष्ट्र से। अच्छा, सर बात ऐसी है कि जो पंडोकर सरकार के जो पिताजी सर है, गुरुशरण शर्मा जी, गुरु जी, वो हाँ, जो गुरु जी है, उनके पास उनकी जो लाइव, अपना यूट्यूब पे लाइव आता था उनका प्रोग्राम, तो वो देखते थे हम। तो 1-1.5 साल से देख रहे थे पिछले, तो हमारी भी कुछ समस्या थी, परेशानी थी, तो ऐसा लगा कि भाई चलो गुरुजी से कुछ पूछेंगे, कुछ समस्या का हल निकल आएगा तो जीवन भी अच्छा चलेगा आगे। तो हाँ, हम गए थे अपना 24 नवंबर, अपना 24 सितंबर को गए थे हम। अच्छा और 24 सितंबर को हमने पर्ची कटवाई थी 1100 रुपए की। तो अच्छा जो पर्ची कटाते हैं वहाँ पे, जो उनके जो कर्मचारी है, जैसा पर्ची जो काटते हैं, हाँ ठीक उन्होंने हमको बताया था कि भैया आप 1.5 महीने बाद आना। है। तो 1.5 महीने बाद बुलाने के बाद हमने उसके बाद देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर के 12 तारीख को कॉल किया था, टोल फ्री नंबर जो है पंडोकर धाम का, हाँ उस पे कॉल करने के बाद उनको पूछा था कि सर हमारा ये ऐसा ऐसा, ये तारीख को हमने पर्ची कटाई थी, हमारा नंबर आ गया है कि नहीं आ गया है। तो वो बोले कि हाँ नंबर चालू है, आप आ जाओ। हाँ तो हमने बोला चलो ठीक है भैया, अब हमारा तो परिस्थिति ऐसी है कि खाने की भी एक अगर काम को नहीं जाएंगे तो खाना भी नहीं नसीब होगा। तो हमने मैं मेरी खुद की कंडीशन बता रहा हूँ, मैंने मेरी जो गाड़ी थी, जो बाइक थी, जो मैं जिससे काम पर जाता हूँ, वो मैंने गिरवी रखा हाँ और अभी भी गिरवी है। अभी ओहो अगर आप आके देखेंगे तो अभी भी गिरवी है, 5,000 रुपये में गिरवी रख के हम उधर गए थे, 3 जने गए थे हम। हाँ तो वहां पे जाने के बाद हम पहुंचे वहां पर 14 तारीख को पहुंचे हम, 14 नवंबर, 14 नवंबर हाँ नवंबर हाँ 14 नवंबर में पहुंचे। तो वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि गुरुजी कहीं बाहर गाँव जाए हुए है जैसा। हाँ तो हमने सोचा चलो भाई बाहर गांव गए हैं, तो 1-2 दिन में, 3 दिन का बोल के गए थे, बोल रहे थे लोग वहां के। तो हाँ गुरु जी आ गए 20 तारीख को, 20 नवंबर को हाँ आ गए। बीस नवंबर को आने के बाद गुरु जी ने उस दिन तो कुछ दरबार लिया नहीं, जिस दिन आए उस दिन, हाँ उसके दूसरे दिन उन्होंने दरबार लिया था। तो उस अच्छा दिन सिर्फ VIP पर्चियां ली थी उन्होंने, अच्छा जो VIP पर्ची कटती है वहाँ पे 21,000 की, 31,000 की, 51,000 की, हाँ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी पर्चियाँ थी, वो उन्होंने जो 2 दिन से कटवाई थी लोगों ने, उनको फटाफट फटाफट उनके नंबर ले लिए। हाँ उसके बाद फिर दूसरे दिन दरबार के सामने हम, हमारे पास फोटोज भी है, वो दरबार के सामने सब लोग, हम जो 1100 1100 वाले थे, सब रोने को आ गए थे, सभी लोग, मेरा ही नहीं, सभी लोग। हाँ तो हम वहाँ नीचे बैठे थे जहाँ पे दरबार लगता था, हाँ वहाँ से दरबार शुरू हुआ ही नहीं, गुरुजी अंदर ही थे, बाहर आए नहीं। दरबार सीधा जाके लगा 3 3 बजे, 22 तारीख हाँ को 3 बजे दरबार लगा। तो गुरुजी ने दरबार 6 बजे तक चलाया, और कहीं तो भी उनको बाहर शादी में कि कहीं तो भी जाना था फंक्शन में, हाँ उधर वो निकल गए। उन्होंने उस दिन भी बड़ी बड़ी पर्चियां ली और निकल गए। हाँ फिर उसके बाद में 23 तारीख को 11,000 वाली पर्चियां लिए, हाँ और फिर मेरे ख्याल से उस दिन अमावस थी कुछ तो भी, 22 तारीख को अमावस थी, बराबर 22 तारीख को अमावस थी। तो 22 तारीख को उन्होंने जिनके काम नहीं हुए ऐसी कुछ पर्चियां ली हाँ थी। तो हम 24 25 तारीख तक रुके, पर हमारा नंबर कुछ आया नहीं, 2100 1100 अच्छा वालों का नंबर आया ही नहीं। हम तो रोने को आ गए थे, क्योंकि हमको वहां पे 15 दिन हो गए थे रुक के, हाँ और उससे पहले 2 महीने उसमें चले गए थे, पर्ची कटवा के घर आ गए थे, यानी पूरे 2.5 महीने चले गए, फिर भी नंबर आया नहीं। वहां पर किसी से पूछो, जो गुरुजी के कर्मचारी वहां पे जो थे, उनको अगर पूछेंगे, पूछने जाएंगे तो बोलते हैं हमको कुछ पता नहीं, गुरुजी का आदेश आएगा तो बताएंगे, यानी कोई वहां पे ऐसे सीधी तरह से बात नहीं करता है। उसके बाद में हमारे पास के पैसे भी खत्म हो गए थे, भाड़े को पैसा नहीं था उधर से आने के लिए। तो हमने उनको बोला कि भैया हमारा, हमको पूछना नहीं है, आप हमारे पर्ची के पैसे वापस कटवा दो, रिटर्न दे दो हमारे को, हम घर चले जाएंगे, हमको नहीं पूछना कुछ, क्योंकि हमारी अब ताकत ही नहीं है रुकने की, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया।
तो क्या वो कुछ बात नहीं लेने को बोले, वो पैसा वापस नहीं होता। और उसके बाद में वो पर्ची पे टोकन नंबर डलवा के दे दिया और बोले आप नंबर आएगा तब आएगा। तो हमने बोला भाई हम घर चल जाते हैं, तो बोले आपकी मर्जी, आप जाओ चाहे रुको, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छा हमने बोला चलो भाई ठीक है। अब वहाँ पर सब बाहर खाना खाएंगे तो सब चीज महंगा है, कोई खाने के लिए पैसों से खरीदता है आदमी तो अच्छा टेस्ट भी मिलता नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, फिर घर से पैसे मंगवाए, वो मेरे वाइफ का वो जो कान में सोने का बनाया था उसको उसको बेच डाला 2,500 रुपये में। और वो उसने मेरे को खाते में पैसा डाला उधर से आने के लिए। तो बाप रे, हम उधर से 27 तारीख को फिर घर आ गए। तो अभी वो आपका ओहो, वीडियो दिखा था यूट्यूब पे, तो हमने सोचा भाई कि चलो हम भी हमारी समस्या बता देते हैं। जब हमारा काम हुआ ही नहीं है तो डरना किस चीज का, फिर सत्य सही मार्ग पे चलना चाहिए आदमी ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने सोचा चलो भाई हमारे 1,100 ही वापस आ जाएंगे इस बहाने। ये तो बहुत आपके साथ गलत हुआ। आप मतलब आपके पास किराया नहीं, उनसे आप कह रहे हैं कि हमारे वापस कर दो तो हम घर चले जाएं, वो भी देने को तैयार नहीं है। नहीं वो जो हमारी पर्ची कटी थी, हमने बोला कि भाई अब हमारा काम हुआ ही नहीं है तो हमारे 1,100 रुपये वापस दे दो, हम घर चले जाते हैं। तो वहाँ पे कोई पूछने को तैयार नहीं थे। वो जो वहाँ पे जो वो जो गुरु जी के जो बॉडीगार्ड थे, वो जो आर्मी वाले भाई साहब, उनसे बात किए थे तो वो बोले कि भैया वो ऐसा है वो वैसा है, वो गुरु जी के आदेश के हिसाब से चलना पड़ता है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मैंने बोला यार हम यहाँ पे अब मर जाएंगे यार, हमारे घर हम तो यहाँ पर खा रहे हैं, मैंने बोला फ्री भंडारा चलता है गुरु जी का, तो और हमारे घर वाले मर जाएंगे, वहाँ पे खाने की भी व्यवस्था नहीं है हमारे घर पे। जब हम घर पे जाएंगे काम करेंगे तभी तो खाने के लिए आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। तो हम फिर नर्वस हो गए, वहां से फिर हमने दतिया चले गए। दतिया में वो पीताम्बरा पीठ का दर्शन करके वहां पे फ्री में भोजन मिलता है 10 रुपये में। हाँ पीताम्बरा पीठ है ना वहाँ पे, वो दतिया में हाँ वहां पे खाना वाना खाया और वहां से टिकट निकाल के घर पे आ गए कैसे तो भी। तो और आपके साथ कुछ सच। अभी तक भी हमारी गाड़ी गिरवी रखी हुई है, अभी तक हमने छुड़ाई भी नहीं है। तो जब वो गाड़ी नहीं छुड़ाई तो कान के बाल ही तो बिकी गए। अभी तो क्या, अभी पैसा ही नहीं है तो गाड़ी तो वो भाड़े में चले गए सब पैसा, वो 5-6 हज़ार रुपये वो गए थे वो भी खत्म हो गए। और उससे पहले हम जब पर्ची कटाने गए थे वो टाइम में 8-9 हज़ार रुपये साथ में लेके गए थे, उसमें किराया विराया खर्चा पानी सब, वो टाइम में यानी हमारा 15-16 हज़ार रुपये चले गया और हमारा काम भी नहीं हुआ, यानी नंबर ही नहीं ओहो, आया काम तो। अब वो गुरु जी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होंगी उनके पास, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। पर अपना अगर काम ही नहीं हुआ तो वो शक्ति अपने कुछ काम की नहीं है ना फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस ऐसी शक्ति किस काम की जो मतलब हमारा भला न कर सके। हाँ हमारा अगर नंबर ही नहीं आ रहा है तो वो शक्ति कोई काम की नहीं है। हमारा वो गुरुजी से कोई यानी हम वो गुरुजी को मानते हैं। मेरे घर में अभी भी गुरुजी का फोटो है, मैं उनको पूछता हूँ, अभी भी पूछता हूँ, काहे को झूठ बोलूंगा। हाँ मेरा कहना उनका है कि उनका सिस्टम जो है वो सिस्टम खराब है, बिल्कुल वहाँ पे सिस्टम से कोई काम नहीं चलता है। मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि भैया जहाँ आपसे जितना लोग आपको जितने लोगों से आप मिल सके उतने लोगों को बुलाइए। सही बात है। जैसा अगर आपने 1,100 की पर्ची कटाई तो आप वो 1,100 की अगर नंबर चल रहे हैं तो 1,100 की ही लीजिए, उसमें VIP पर्ची उसकी उसकी मत मिलाइए, उसमें सिर्फ 1,100 वाले निकाल दीजिए। एक समय रखिए कि सुबह 10 से 2 बजे तक भाई VIP वाले चलेंगे, 2 से 5 बजे तक 1,100 2,100 यानी वो सिस्टम होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। और ये समय अगर दे देते हैं उस समय पर आप बुलाते हैं, इसके बाद भी नहीं मिलते तो आपकी फॉल्ट है ना। हाँ वो समय। और दूसरी बात, हमारे पास साथ में जो एक वो हमारी तरफ का आदमी था वहाँ पे, उसके साथ पहचान हो गई थी, उसकी कुछ 11,000 की पर्ची थी शायद। तो उसने हमको बोला कि यार हमारा दिल संतुष्ट नहीं हुआ। हमने पूछा क्यों, तो बोले गुरुजी ने एक ही प्रश्न लिख दिया, 2-3 सेकंड दे दिए और वहाँ से फिर उठा दिया, बोले चले जाओ अभी बाद में वो हो जाएगा हवन, और वो लिख दिया, बोले हमारा दिल संतुष्ट नहीं हुआ। और मैंने बोला यार कम से कम 5 सेकंड तो देना चाहिए आदमी को, एक को 10 सेकंड 15 सेकंड कुछ। अच्छा, मिलने वाले को समय भी नहीं देते हैं। हाँ ऐसा वो बोल रहा था, अपन तो मिले ही नहीं है, पर वो आदमी जो था हमारे साथ में वो हमारे इधर एक माहूर गांव करके है वहाँ का था, तो वो अच्छा बता रहा था, बोले गुरुजी ने 2-3 सेकंड में वो कुछ लिख दिया और बता दिया कि ऐसा ऐसा है चले जाओ।
तो बोले हम अगर कुछ आगे पूछते तो वहां से वो भगा दिया, बोले चलो डाटा समाप्त हो गया, क्या करेंगे बोले। तो हमारा वहां पे भी और दिन नर्वस हो गया कि यार 11,000 वाले को अगर 2-3 सेकंड नहीं मिल रहे तो हमको तो 1100 वाले को क्या देंगे। हाँ तब तो आपको सामने टाइम देने का मतलब ही नहीं है जब ये स्थिति है, तो बहुत गलत है। बिल्कुल ये बात वहां तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा कि आप सुन ले अपने जो भी आपके यहाँ जाते हैं इनके साथ क्या बर्ताव होता है। उनके द्वारा कहा जाता है कि यहाँ 1 रुपए की भी पर्ची कटती है और सभी का अगर बता दिया जाता है उस हिसाब से आपके है तो नंबर लगता है। 1 रुपए की भी पर्ची कटती है वहाँ पे, उसमें मैं भी बोलता हूँ कि पर्ची कटती है, 1 रुपए की भी पर्ची कटती है, पर वो पर्ची कटने का मतलब ही क्या है जब नंबर ही नहीं आएगा तो मतलब क्या है उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल, जब 1100 वाले का नंबर नहीं आने को तैयार है तो 1 रुपए वाले का तो इस जीवन में तो नहीं आएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ कि मैं 1100 रुपए की पर्ची निकाल के 2.5 महीने रुका हूँ तभी भी मेरा नंबर नहीं आया तो फिर क्या फायदे की बात नहीं है। और दूसरी बात वो ऐसा कुछ था तो उन्हें पहले ही समय दे देते कि आपको 2.5 महीने बाद आना है तो 2.5 महीने बाद व्यक्ति चला जाता। अब आपके यहाँ जब जा रहा है इसके बाद भी टाइम लेके दूसरी बार जा रहा है और फिर भी नहीं मिल रहे हैं, फिर उसमें 15 दिन लगा के भी वापस आ रहा है, उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, तो क्या मानवता नहीं है कि उसको किराया दिया जाए। वही तो, अब हमारे पास हम वहाँ पे रो दिए थे, हम 2 जने थे, हम रो दिए थे कि भैया आप किराया नहीं है कैसे घर जाएंगे क्या जाएंगे, तो कुछ घर वाले को फोन लगाया, अब वो भी कहाँ से पैसा भिजवाएंगे भैया, वो उसने कैसे तो भी वो थोड़ा बहुत सोने का वो नाक में जो पहनते नथनी वो थी 2-2.5 हजार की, वो बेच के पैसे भेजे तो उसमें हम घर आ गए। देखे जाएंगे ना, मेरी बात सुनिए सर की कैसा है, अब हमारा तो पर्ची देखे जाएगी तो 1100 रुपए की है। हाँ। पर आप बताइए हम महाराष्ट्र से रहते हैं, महाराष्ट्र से वहां तक जाने के लिए एक साइड से 2-2.5 हजार रुपए भाड़ा लगता है। हाँ। यानी दोनों तरफ का भाड़ा हो गया 5,000 रुपए। हाँ। और 1,000-2,000 रुपए खर्चा पानी तो हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो कितने हो गए 7-8 हजार रुपए एक समय का हो गया, तो 2 बार हम गए हैं वहाँ पे तो 15-16 हजार तो हमारे वैसे ही निकल गए। हाँ। और मतलब की बात कुछ भी नहीं रही, हमारी बात ही नहीं हो पाई वो गुरु जी के साथ। बिल्कुल ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। अच्छा अच्छा मैं ये कह रहा था कि आप अभी मुझे बताए थे कान के बाले, फिर दूसरी बार आपने कहा नाक की नस है। विशेष के पहले आपने बताया कान के बाले बेचे, अब ये आप बता रहे हैं कि नाक की नस बेची, तो कहानी क्या है, दो दो चीजें तो गड़बड़ हो जाएंगी। नहीं 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 बड़बड़ नहीं, वो जो नथनी थी वो मेरे को कान का यानी वो बोलने में मिस्टी हो गया, वो नथनी थी जो नाक में थी ना 2-2.5 हजार में जो बनती है 3 हजार में। हाँ वही थी वो, जो वो मेरे मुंह से निकल गया कि भाई कान की थी, वो नाक की थी। अच्छा अच्छा हाँ जो नाक में वही मैंने कहा क्योंकि आप ही की बात जब दो तरह से हो जाएगी ना तो फिर बात गलत हो जाती है। नहीं 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 वो अभी बात करने में गड़बड़ी से निकल गया, वो कान में का वो नाक में का ही था। अब क्योंकि अच्छा, आप भी जानते हो कि कान में का जो कान में जो लेडीज पहनती है वो 2-3 हजार में तो आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वो नाक में का था, वो गड़बड़ी में कान में का हो गया ऐसा, मैंने शब्द इधर उधर हो गया। नहीं चलिए इसीलिए मैंने कंफर्म कर लिया तो ठीक हो गया। अच्छा मैं आपकी ये वीडियो बना के डालूंगा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं 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 आपत्ति क्यों होगी, जब हुआ ही नहीं है कुछ तो क्या डरने की क्या चीज है उसमें, जब अपना काम ही नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ये वीडियो डाल रहा हूँ जिससे उन लोगों तक पहुँचे कि वहाँ जितनी भी गड़बड़ियाँ हो रही है और अगर वहाँ का मेन मालिक ही सचेत नहीं होगा तो कैसे होगा, और क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आप किसी से मिल नहीं पा रहे हो पैसे वापस चाहता तो उसको वापस कर दिए जाए। जी अब हम खुद बोल रहे हैं कि हमको मिलना नहीं है तो हमको पैसे वापस दे दो। हाँ मतलब अगर ये उनकी जेब में चले गए तो उनके पिताजी के हो गए ऐसा होता है क्या? पता नहीं अब वहाँ का क्या सिस्टम है, अब तो वहाँ पे हमने पैसे भी छोड़ दिए सब छोड़ दिए फिर घर चले आ गए, क्या करेंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो यही कहेंगे कि उनके पैसे अभी भी वापस करें, सीधी सी बात है, बहुत गलत हुआ है आपके साथ और ये इस तरह की ठगाई नहीं होनी चाहिए। और मैं मुझे आपने वो व्हाट्सएप तो कर ही दिया है अपनी पर्ची और अपना फोटो। जी जी तो बस ठीक है, मैं इसको वीडियो बना के जल्दी ही डाल रहा हूँ। जी जी ठीक है भाई साहब, ठीक है सर ठीक है। हाँ जय माता की, जय माता की।